26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड इस बार कुछ खास होने वाली है। एक तरफ जहां इस परेड में राम मंदिर की झांकी को सम्मिलित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर लखनऊ नगर निगम के द्वारा भिक्षावृत्ति से निकाले गए बच्चे भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। नगर निगम ने स्वयं सेवी संस्था की मदद से 1.5 साल पहले इन बच्चों को भिक्षावृत्ति से निकालकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार के स्माइल प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू किया था। मौजूदा समय में लखनऊ नगर निगम 500 बच्चों को भिक्षावृत्ति से निकाल चुका है। लखनऊ नगर निगम ने केंद्र सरकार के स्माइल प्रोजेक्ट के तहत भिक्षावृत्ति में पड़े बच्चों को निकालने के लिए स्वयं सेवी संस्था उम्मीद को साथ लेकर काम कर रहा है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने स्माइल प्रोजेक्ट के तहत 1.5 साल पहले इस पर काम शुरू किया था, जिसके प्रथम चरण में 100 बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालकर उनकी शिक्षा, भोजन और रहने के प्रबंध के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जा रहा है। इन 1.5 सालों में भिक्षावृत्ति से निकाले गए बच्चों की संख्या अब 500 जा पहुंची है। भारत सरकार का एक स्माइल प्रोग्राम है, जिसमें जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत नगर निगम द्वारा एक अपना एनजीओ पार्टनर चूज किया गया था, जिसकी संस्था का नाम उम्मीद है। इस संस्था द्वारा पहले 100 बच्चों को सर्वे करके नट कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको भिक्षावृत्ति से बाहर किया गया था और स्कूल में एडमिशन कराई गई थी। अब जो है टोटल 500 बच्चों को हम भिक्षावृत्ति से बाहर लाने में सक्सेस हुए हैं। इनमें से जो 30 बच्चे हैं अभी 26 जनवरी की परेड में कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे, और जो 15 बच्चे हैं वो हमारा एक बैंड के रूप में वहाँ पे दे रहे हैं, और इन बच्चों को, बड़े बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है और छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराई जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बाल सेवा योजना है उससे भी, और बाकी जो परिवार है उसको सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए भिक्षावृत्ति से मुक्ति के लिए आगे किया काम किया जा रहा है।